हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम का रिव्यू। ये एक शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प रिव्यू है, जहाँ मैं इसके पॉइंटर्स शेयर करूँगी ताकि आप सबको हेल्प हो कि 3 या 2 मिनट के अंदर आप इस प्रोडक्ट को पहचान पाए कि ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। इसे परचेज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, पंप सिस्टम में आता है। दिस इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल। दिस इज फॉर 100 ml और इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और ये बाकी सीरम से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें ऑयल है एंड आप इसे ना ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ड्राई हेयर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन यूज दिस ऑन योर स्कैल्प एज वेल। एक सीरम जो आप अपने स्कैल्प पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोवाइड योर हेयर दैट नरिशमेंट। बट मैं जनरली इसे स्कैल्प पर नहीं इस्तेमाल करती, बट हाँ मैं रूट्स इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। एज सच मैं ऑयलिंग टाइप स्कैल्प पर नहीं अप्लाई करती, बट मैं रूट्स से ही इस सीरम को अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। कुछ भी हेयरफॉल वगैरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करती इसे इस्तेमाल करके। दिस इज वेरी गुड सीरम। एक हैक बताती हूँ इसे इस्तेमाल करने का। आप इसे रात को सोने से पहले अपने ड्राई हेयर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लीजिए एंड उसे एंड्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा ऑयलीनेस आपको फील होगी। आप चाहते हैं तो रूट से भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई जनरली प्रेफर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स एंड देन लीव इट ओवरनाइट। सुबह उठेंगे तो वो ऑयलीनेस भी चली जाएगी एंड हेयर बिल्कुल मैनेजेबल, सिल्की एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सो यू शुड ट्राई दिस हैक। नेक्स्ट मैं इसे जनरली जैसे हम लोग वेट हेयर पर सीरम अप्लाई करते हैं उस तरह से भी मैं अप्लाई करती हूँ, बट इट मेक्स योर हेयर वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयलीनेस है, विच इज़ वाई आई थिंक दिस अ कंप्लीट डिफरेंट सीरम फ्रॉम एनी अदर सीरम इन द मार्केट। मैं जनरली सीरम्स को इतना ज्यादा फैन नहीं हूं, बट लॉरियल के मैंने काफी सारे सीरम्स को ट्राई किया है, बट दिस इज द बेस्ट अमाउंट ऑल लॉरियल सीरम्स। सो अगर आप कोई लॉरियल सीरम ट्राई करना चाहते हैं, यू शुड गो फॉर दिस वन। सो अगर आपकी हेयर बहुत ही ज्यादा फ्रिजी है, एंड्स काफी ज्यादा रफ है, ड्राई डैमेज है एंड अनमैनेजेबल हेयर है, स्पेशली फॉर कर्ली हेयर्स, आई वुड सजेस्ट दिस वन। और अगर आप हर दिन स्ट्रेट करते हैं, अपने हेयर को स्टाइल करते हैं, उसके लिए भी ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये आपके हेयर पर वो जो ऑयलीनेस है वो नहीं छोड़ता। जब आप अप्लाई करते हैं उसके कई घंटों बाद वो ऑयलीनेस चली जाती है। तो जब आपका कोई इंपॉर्टेंट डे है, उससे अगले रात आप इसे अच्छे से अपने हेयर पर अप्लाई कर दीजिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल वेक अप विद ब्यूटिफुल हेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद से इसे इस्तेमाल किया है एंड मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज। थैंक यू ऑल, बाय।